नमस्कार दोस्तों, मैं केशव शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वत्स इंश्योरेंस सर्विस में। बीमा किसी भविष्य में नुकसान की आशंका से निपटने का हथियार है। हमें ये नहीं पता होता कि कल क्या होगा। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के भारतीय एक्सा लाइफ चेकअप इनकम प्लान के बारे में। इस प्लान के जरिए हम अपने भविष्य की एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं और ये पैसा हमारे भविष्य में के काम आएगा और इसी पैसे के जरिए हम अपने भविष्य में अपने बच्चों की शिक्षा, उनकी शादी के लिए और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हम इसके बारे में जानते हैं, इसके फीचर के बारे में जानते हैं और ये प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है इसकी यूटिलिटी के बारे में जानना चाहेंगे एक एग्जाम्पल के रूप में। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आपके पास पहुंच चुके। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पैरामीटर के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और ये प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है इसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। इसमें सबसे पहले होगा मिनिमम एज एंट्री 3 साल से लेकर 15 साल पॉलिसी टर्म, 1 ईयर फॉर 70 ईयर पॉलिसी टर्म, 0 ईयर फॉर 20 ईयर पॉलिसी टर्म। मैक्सिमम एज एंट्री होगी इसमें 65 ईयर फॉर 50 ईयर पॉलिसी टर्म, 63 ईयर फॉर 70 ईयर पॉलिसी टर्म, 60 ईयर फॉर 20 ईयर पॉलिसी टर्म। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज होगी इसमें 80 ईयर। पॉलिसी टर्म इसमें 15 साल का है, 17 साल का और 20 साल का, 3 पॉलिसी टर्म है इसके अंदर। प्रीमियम पेमेंट टर्म इसके अंदर है 5 साल का, 7 साल का और 10 साल का, यानी हम 3 साल तक पेमेंट टर्म कर सकते हैं। इसमें जो मैच्योरिटी बेनिफिट है इसमें सम अश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशन, इसमें 2 मैच्योरिटी टर्म मिलेंगे। सर्वाइवल बेनिफिट होगा इसमें गारंटी इनकम आफ्टर 10 ईयर वो पेमेंट टर्म। इसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। यदि करंट की एज 30 साल की है, वो चॉइस करता है इसका प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का, पॉलिसी टर्म चॉइस करता है 20 ईयर का। यदि वो पहली इंस्टॉलमेंट देगा और करण का एक बच्चा भी है 2 साल का, यदि वो अपनी पहली इंस्टॉलमेंट देगा वो 1 लाख रुपए देगा। यदि वो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो साल का 1 लाख रुपए देना चाहता है और जो जिसकी GST फर्स्ट ईयर होगी 4,500 रुपए, टोटल जो पहले साल में वो पे करेगा 1,45,000 रुपए और GST फ्रॉम सेकेंड ईयर में जो होगी इसके 2,250 रूपए GST सेकेंड ईयर में, उसका तो सेकेंड ईयर का प्रीमियम होगा 1,22,050 रूपए का होगा। उसके अभी बच्चे की एज 2 साल है, उसने जो पॉलिसी टर्म चॉइस किया है 20 साल का पॉलिसी टर्म चुना है और इसके अंदर पेमेंट टर्म होगी उसके 10 साल की, यानी 1,00,000 रूपए, यानी 1 साल से लेकर 10 साल तक, यानी वो 1,00,000 रूपए जमा करता है 10 लाख रूपए, तो उसे 11वें साल से पेमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी 49,770 रूपए, यानी 11वें साल, 12वें साल, 13वें साल, 14वें साल, 15वें साल, 16वें, 17वें, 18वें, 19 और 20, 20 साल तक उसे 49,770 रूपए हर साल मिलेंगे और 20वें साल में उसे मैच्योरिटी प्लस एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा जो मिलेगा 6,22,123 रूपए और एडिशनल बेनिफिट मिलेगा 6,22,123 रूपए, यानी दोनों मिला के मिलेंगे 12,44,246 रूपए। यानी उसने जो इससे जो गारंटी इनकम बेनिफिट जो हुआ है 49,770 रूपए, यानी उसे 10 साल तक मिला है, यानी ये टोटल मिल जाएगा इसे 4,97,700 रूपए। इसे जो मैच्योरिटी मिली है 6,22,123 रूपए, इसे जो गारंटी एडिशनल बेनिफिट मिला हुआ है 6,22,123 रूपए, यानी इन तीनों को मिला दें यानी टोटल 20 साल तक से पॉलिसी टर्म में जो इसे जो बेनिफिट हुआ है 17,41,946 रूपए का। यदि सपोज यानी जब करण का लड़का, यानी अभी उसकी उम्र 2 साल है, यदि उसके जैसे वो 13वें साल में होगा, यानी उसके एजुकेशन 6th या 7th क्लास से जो पैसा काम आएगा उसे हर साल उसे पैसा काम आएगा उसकी करंट के एजुकेशन के लिए और अपने परिवार की जरूरतों को वो इसमें इससे पूरा कर सकता है। यदि सपोज करो यदि दूसरे साल में करंट की डेथ हो जाती है, भगवान ना करे इसके दूसरे साल में डेथ हो जाती है, यदि वो पहले साल में इंस्टॉलमेंट देखता है 1,00,000 रूपये और दूसरे साल में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके परिवार को
एक बेनिफिट मिलेगा, डेथ बेनिफिट मिल जाएगा 13 लाख रुपए, जिससे उसका परिवार अपने भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसके अंदर दो बेनिफिट और हैं, राइडर के बेनिफिट होते हैं, इसमें एक एक्सीडेंट एंड डेथ बेनिफिट भी ले सकता है कस्टमर। एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर में ये होता है कि थोड़ा अमाउंट ज्यादा दे के, यदि डेथ में, यदि उसके दूसरे साल में जो डेथ होती है 13 लाख रुपए, यानी 13 लाख रुपए और मिल जाएंगे उसे, यानी डेथ बेनिफिट के रूप में। यदि उसका एक्सीडेंट से यदि कोई डेथ हो जाती है तो यानी 13 लाख रुपए और एक डेथ बेनिफिट जो ये है 13 लाख के, यानी 26 लाख रुपए उसे एक डेथ बेनिफिट के रूप में हो जाएगा। इसमें राइडर ये होता है, इसमें थोड़ा बहुत 700 या 800 रुपए कुछ अमाउंट फालतू देना पड़ता है। इसमें जो दूसरा राइडर होता है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट राइडर, इसमें भी थोड़ा अमाउंट ज्यादा दे के 1,000 रुपए, 2,000 रुपए और 3,000 रुपए, यानी यदि कस्टमर यदि हॉस्पिटल में एडमिट होता है, यदि वो 10 दिन के लिए एडमिट हुआ, यदि उसने 3,000 रुपए का समस्योर्ड का लिया पर डे का, यानी ये 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, यानी उसे 30,000 रुपए मिल जाएंगे हॉस्पिटल में कैश बेनिफिट रहेगा, कैश के रूप में उसे 30,000 रुपए मिल जाएंगे। यदि आपको ये प्लान अच्छा लगे, भारतीय एक्सा लाइफ सिक्योर इनकम प्लान, यदि आपको ये प्लान लेना हो, आप मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हो 9899111415। आप मेरी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो keshav.sharma1373@gmail.com। बाकी मैंने इस प्लान की डिटेल और अपना मोबाइल नंबर अपने ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपसे मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रेस आइकन पर जरूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले सारी वीडियो आपके पास पहुंच सके। नमस्कार जी।